हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द रियल विनी। आज आपसे पीएचडी के बारे में बात करना है कि पीएचडी में आप एडमिशन कैसे लेंगे, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में आप पीएचडी में कैसे इनरोलमेंट पाएंगे, कैसे एडमिशन लेंगे। तो वही आज मैं आपसे यहाँ पर इंफॉर्मेशन शेयर करने वाली हूँ। तो यहाँ पर पीएचडी इंफॉर्मेशन का जो बुलेटिन है 2023-24 का, ये आउट हो चुका है। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पर जो है यूनिवर्सिटी के बारे में बताया गया है कि फाउंडर कौन है, क्या विज़न है यूनिवर्सिटी के बारे में बताया गया है। एग्रीकल्चर साइंस है, मेडिकल साइंस है, इन्वायरमेंटल एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, मैनेजमेंट है, साइंस है, सोशल साइंस है। बीएचयू को बोला जाता है कि लार्जेस्ट रेजिडेंशियल कैंपस इन इंडिया, ओवर 35,000 स्टूडेंट्स फ्राम ऑल ओवर इंडिया एंड एब्रॉड आर एनरोल्ड इन वेरियस फैकल्टीज़ ऑफ द यूनिवर्सिटी। द यूनिवर्सिटी हैज 72 हॉस्टल, 72 हॉस्टल यहाँ पर हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ कितना बड़ा ये कैंपस है हमारा। बीच में लाइब्रेरी है, आईसीटी इंफ्रास्ट्रक्चर है। ये मैं अभी ऐसे ही यहाँ पर कुछ कुछ बता दे रही हूँ, जो लोग नए हैं अपने यूजी पीजी यहाँ से नहीं किए हैं उनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है ये बीएचयू के लिए। तो आप देख लीजिएगा, आईसीटी यहाँ पर अच्छी है। यहाँ पर एक टेम्पल है विश्वनाथ मंदिर, न्यू वीटी के नाम से यहाँ पर फेमस है। यहाँ पर है भारत कला भवन और अभी ये है राजीव गांधी साउथ कैंपस। अब लोग यहाँ पर हम लोग जो बुलेटिन आई है पीएचडी से रिलेटेड, वो मैं आप सभी को बताती हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं बीएचयू रेट एग्जेम्प्टेड एडमिशन का जो मोड है वो यूजीसी के थ्रू होगा। यहाँ पर आप देखे होंगे कि अब जो भी यहाँ पर डीयू, जेएनयू, बीएचयू, बीबीएयू, इनका जो पीएचडी प्रोग्राम होगा वो सीयूसीटी के थ्रू होगा। तो यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट्स की लिस्ट आई हुई है, जैसे कि एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स नंबर ऑफ सीट्स 14 है, एग्रोनॉमी 10 है, यहाँ पर वाटर मैनेजमेंट है, डेयरी टेक्नोलॉजी है, प्लांट पैथोलॉजी है, सोयल साइंस एंड एग्रीकल्चर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं साइंस वालों की यहाँ पर है। तो ये सारी जो भी यहाँ पर आप देख रहे हैं, आप स्क्रॉल करके देख लीजिएगा कि किसके सब्जेक्ट्स की आई हुई हैं। तो यहाँ ये साइंस वालों की है, टेक्नोलॉजी की है। मैं यहाँ पर फैकल्टी ऑफ आर्ट्स का डिस्कस करती हूँ कि फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में किस किस सब्जेक्ट्स में आई हैं। बंगाली में आई है 4 सीट, इंग्लिश में आई है 26, फ्रेंच में 6, हिस्ट्री ऑफ आर्ट्स में 5 सीट, टूरिज्म में 4 सीट, नेपाली में 1 सीट है, तमिल में 2 सीट है, फिजिकल एजुकेशन में 19 सीट आई हुई हैं, तो अच्छी सीट है। ज्योग्राफी में 27 सीट्स, बहुत ही अच्छी सीट्स हैं यहाँ पर। ज्योग्राफी में 27 सीट्स है पीएचडी के लिए। होम साइंस में 7 सीट्स, मैथमेटिक्स में 12, संस्कृत में 7, उर्दू में 6, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में 4, फिलोसफी में 2, हिंदी में 42। हिंदी में यहाँ पर आप देख सकते हैं 42 सीट्स आई हुई हैं। एजुकेशन में 49, ह्यूमन राइट्स एंड ड्यूटीज़ में 7, लॉ में 17, मैनेजमेंट में 6 हैं, इकोनॉमिक्स में 5 सीट्स आई हैं, साइकोलॉजी में 20 सीट्स आई हैं, हिस्ट्री में 6 आई हैं, सबअल्टर्न में यहाँ पर 2 सीट्स आई हैं, और यहाँ पे वुमेन स्टडी में 1 सीट, और पॉलिटिकल साइंस में भी यहाँ पर 2 सीट हैं, पॉलिटिकल साइंस में, और सोशोलॉजी में 4 सीट हैं। तो यहाँ पर आप लोग ये देख रहे होंगे कि यहाँ पर साइड में फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस में कुछ जो मेन सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, तो यहाँ पे दिया कॉमर्स, मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, रूरल इकोनॉमिक्स, तो ये जो अलाइड सब्जेक्ट वाले हैं ये भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल वुमेन स्टडीज़, तो इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स के अप्लाई कर सकते हैं, जो भी स्टूडेंट इकोनॉमिक्स से एमए किए हों, साइकोलॉजी से, सोशोलॉजी से, हिस्ट्री से, पॉलिटिकल साइंस से, वो वुमेन स्टडीज से पीएचडी करने के लिए एलिजिबल हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि इंस्ट्रूमेंटल में भी ये फैकल्टी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स में सीट्स आई हुई हैं, फैकल्टी ऑफ संस्कृत विद्याधर में हैं। आप देख लीजिएगा यहाँ पे टोटल कितनी सीट्स हैं। यहाँ पे अलाइड सब्जेक्ट की भी लिस्ट दी हुई है। ये जो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये अलाइड सब्जेक्ट की है कि कौन से सब्जेक्ट्स इसके अलावा भी अप्लाई कर सकते हैं। फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदा में देख सकते हैं कितनी सीट्स आई हुई हैं, फैकल्टी ऑफ मेडिसिन में भी काफ़ी सीट्स आई हुई हैं। तो आप किस फैकल्टी के हैं, किस डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन है, द सीट्स डिक्लेयर्ड आर इंक्लूसिव ऑफ बोथ मोड, बीएचयू रेट एग्जेम्प्टेड भी है और बीएचयू रेट एनटीए जो अपने एडमिशन करा रहा है उसके थ्रू है। एप्लीकेंट्स अपेयरिंग इन एनटीए पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट शुड बी सी द टेस्ट कोड ऑफ एनटीए, चूज द राइट कोड ऑफ फिलिंग अप द फॉर्म्स। तो यहाँ पे जो 50% सीट्स डिक्लेयर होगा वो फिल होगा बीएचयू रेट एग्जेम्प्टेड कैटेगरी के थ्रू। अब यहाँ पर ये कितना फॉर्म, कितना फीस लगेगा इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए, तो यहाँ पे नीचे ये फीस की बात की गई होगी। ये देखिए यहाँ पे ये जो हमारा एपीआई बनेगा इंटरव्यू के टाइम कि क्या कैसे कैसे है, ये पूरा सब कुछ यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया गया कि कैसे एपीआई हमारा बनेगा, मेरिट लिस्ट कैसे होगा। तो यहाँ पे क्लास 10th का होगा, जो फर्स्ट डिवीज़न होगा उनको 5 मार्क्स मिलेगा,
जो सेकंड डिवीज़न होगा उनको 3 मार्क्स मिलेगा, जो थर्ड डिवीज़न होगा 1 मार्क्स। क्लास 12 में भी सेम यूजी पीजी में 5-3-1 का रेशियो है, तो ये यहाँ पर मेरिट के लिए है। यहाँ पर भी है कि द फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी कंप्यूटेड अकॉर्डिंग टू द वेटेज एज पर टेबल 4 गिवन बिलो। ये जो टेबल 4 है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर मिलेगा। कंपोनेंट्स ऑफ पीएचडी कोर्स टू बी कंसीडर फॉर कंप्यूटेशन ऑफ मेरिट, नेट एनटीए पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट 50% होगा, एकेडमिक जो है वो 25%, इंटरव्यू 25%। कैसे कैसे ये बनेगा, 50% हमारे जो मार्क्स हमें स्कोर किए उससे, 25% हमारा जो एपीआई बना है, और इंटरव्यू के बेसिस पे ये हम लोग पूरा फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार करेंगे। यहाँ पे जो फीस लगेगा वो 200 बीएचयू रेट के लिए, जो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस का है वो 600 है, एससी एसटी के लिए 300 है। अदर देन बीएचयू रेट जो एनटीए के थ्रू कंडक्ट होगा, तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 200 और एसटीएन एसटी के लिए 100। क्लियर हुआ, यहाँ पर दो होगा, एक बीएचयू रेट, एक जो बीएचयू रेट एनटीए के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, वो दोनों का फीस अलग अलग है। मैंने बता दिया है आपको कि कैसे इवैल्यूएशन किया जाएगा, तो आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। हैव अ नाइस डे।